अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं टमाटो सूप, मूंग दाल सूप और चुकंदर का सूप, जो बहुत हेल्दी होता है। कमज़ोर लोगों को, कमज़ोर बच्चों को ये सूप पिलाएं। मैंने जैसे बनाया है, आप मेरे साथ चलें और सीखें इसको बनाना। और यहाँ पर ये मैंने ब्रेड हैं क्रिस्पी, थोड़ा थोड़ा इनको भी डाल देते हैं इसमें, और भी टेस्ट बढ़ जाएगा। और बच्चे अच्छे से पीते हैं इसको, अच्छा टेस्टी लगेगा। देखिए जी, कितना अच्छा सूप बनकर तैयार हुआ है। तो चलें इसको बनाना सीखते हैं। जो मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चलें इसको बनाना सीखते हैं। मेरे पास ये 2 चम्मच, जो घर में नॉर्मल चम्मच होते हैं, 2 चम्मच मूंग की दाल है। इसे मैंने 10 मिनट पहले भिगो दिया था। और 2 मीडियम साइज़ के चुकंदर हैं जो मैंने काट लिए हैं, और 2 टमाटर हैं जिन्हें मैंने इनको भी चॉप कर लिया है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, ये भी मैंने काट लिया है। अब इस कुकर में हम ये दाल भी डाल देते हैं, और ये जो टमाटर हैं ये भी हम इसी में डाल देते हैं। और ये जो चुकंदर हैं ये भी इसी में डाल देते हैं, जो अदरक के टुकड़े हैं ये भी इसी में डाल देते हैं, और इसमें कम से कम आधा लीटर पानी डाल देते हैं, है, और 1/4 चम्मच से भी कम नमक डाल देते हैं। अब हमने इसे फुल फ्लेम पर रख दिया, और 1 पिंच इसमें हल्दी डाल देते हैं। देखें, इसमें उबाल आ चुका है, फुल फ्लेम पर हमने रखा था, और अब स्लो कर देंगे इसकी फ्लेम को, लो करके उस पर 10 मिनट तक दाल और सब्जियां सब गलने तक कुक होने देंगे। देखें जी, प्रेशर रिलीज़ हो गया है। अब इसे निकाल के हम इस छन्नी से छान लेते हैं। और ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी के जार में पीस लेंगे। दिखाते हैं आपको ठंडा होने पर। देखिए जी, ये मिक्सी के जार में मैंने अच्छे से पीस लिया है, और अब इसे छन्नी में ही ट्रांसफ़र करते हैं और इसको अच्छे से छान लेते हैं। बस इसे इस तरह से चमचा चलाते हुए छान लेते हैं अच्छे से। देखिए जी, बस ये अच्छे से छन गया है। इसमें से जो बाकी बचा है इसको निकाल देते हैं, और नीचे से भी सब अच्छे से साफ कर देते हैं। बस देखिए जी, मैंने यहाँ पे एक पैन रख लिया है, और इसमें 1 चम्मच हम मक्खन डाल देते हैं। आप मक्खन डालना चाहें, घी डालना चाहें, जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इसमें अभी थोड़ा सा ज़ीरा डाल देते हैं। ज़ीरा चटकने के बाद बस अब हम इसमें अपना ये सूप डाल देते हैं। अभी एक उबाल आने तक हम इसे पकने देंगे। इसको एक उबाल आने देते हैं। अब यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं। आप मक्खन डालना चाहें मक्खन डाल दें, देसी घी डालना चाहें देसी घी डाल दें। ये ब्रेड के पीस हैं जो मैंने छोटे छोटे कट कर लिए हैं, इनको इसी में डाल देते हैं फ्राई पैन में, और फ्राई होने देते हैं इनको हल्के हल्के। देखिए जी, ये ब्रेड पीस हमने फ्राई कर लिए हैं, और ये क्रिस्पी हो गए हैं बहुत अच्छे। अब इनको हम निकाल लेते हैं।